दोस्तों, मैं कृष्णा राजपूत आपका स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेकारक हो, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है कि मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार में अभी रिजल्ट्स जो एग्ज़ाम हुए हैं 10th और 12th का, जिसका कि अभी 12th का रिज़ल्ट आ चुका है, 10th का जो रिज़ल्ट है वो अभी आने वाला है। तो दोस्तों, आपको इंतज़ार होगा इस रिज़ल्ट का, तो आइए हम बताते हैं कि आप खुद से अपने रिज़ल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप अपने रिज़ल्ट को ऑनलाइन इंटरनेट पे कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है इससे आपको बहुत चीज़ें जानकारी मिलेगी। आप देखेंगे ये जो साइट है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, ये वेबसाइट है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और ये जो रिज़ल्ट है ये 15 जून तक आने का चांस है 10th का रिज़ल्ट, क्योंकि 12th का ऑलरेडी आ चुका है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इज लाइकली टू डिक्लेयर बिहार स्कूल 10th मैट्रिक रिज़ल्ट 2017 ऑन जून ऑफ 15। तो 15 तक आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के हाईस्कूल 10वीं की रिज़ल्ट 15 जून से पहले जारी हो सकती है। बोर्ड की सूचना के अनुसार 10वीं की रिज़ल्ट 14 जून तक जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप ऑनलाइन इंटरनेट पे 14 जून को भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि आप इंटरनेट पे रिज़ल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपके पास सीधा पहुँच जाए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इस चीज़ को, कैसे हम चेक कर सकते हैं रिज़ल्ट को। तो ये चीज़ आपने देख लिया कि ये एक साइट है और ये हमारे बहन लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब मैं आगे आपको जो दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आप कैसे चेक करें अपना रिज़ल्ट, ऐसे देखें। और क्या क्या स्टेप है वो पहले देखें। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, www.biharboardac.in। जैसे आप वेबसाइट पे जाते हैं दोस्तों, तो आपको वहाँ पे एक ये वेबसाइट ओपन करना ओपन होगा आपके सामने, http://bihar-india-result.com/bsebdefault.ht पर। उसके बाद आपको, जैसे आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वेबसाइट पे। मैं जैसे ये लिंक है जो मैंने आपको बताया है, जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे तो बहुत सारे चीज़ आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ से रिज़ल्ट देखना है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आप जिस चीज़ को देखिए, ये चीज़ जो इन्फो अबाउट क्लास 10th मैट्रिक रिज़ल्ट 2017 रजिस्टर हेयर। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे, यदि आपको चाहे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपके मेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे कि रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन हो गया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लोग अपना रोल नंबर या रोल कोड डाल करके, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कोई भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कि आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ये जो नंबर है 3479081, जैसे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे गो करेंगे तो आपके पास एक कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपके जैसे रिज़ल्ट पब्लिश होगा तो आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाएंगे, ठीक है, कि आपका रिज़ल्ट क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है और इस वेबसाइट से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे खुलने के बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर, रोल कोड, सूचना दर्ज करना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पे आपको सबमिट करना है। आपको सबमिट बटन पे जैसे आप करते हैं तो आप इस चीज़ को देखिए, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आपको शो कर जाएगा, आपके सामने होगा। जिससे आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं रिज़ल्ट को दोस्तों, और उसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं उस रिज़ल्ट को। तो दोस्तों, जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए, जो मैंने स्टेप आपको बताया है, जो स्टेप है उसी स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। जो स्टेप आप फॉलो करेंगे इस वीडियो के स्टेप को, तो आपको आसानी से, आप कभी भी किसी का भी रिज़ल्ट आपको देखना हो आप आसानी से देख सकते हैं। और ये जानकारी यदि आपके पास है तो आप किसी का भी रिज़ल्ट, आप एक बिज़नेस के तौर पे भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप दूसरे का रिज़ल्ट दे करके आप कुछ कमा सकते हैं इसके थ्रू। तो ये बहुत ही फ़ायदेकारक वीडियो होगा आपके लिए। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो ये जानते हैं आगे बिहार बोर्ड के बारे में कि 10th 12th का रिज़ल्ट। देखिए, ये साइट है, ये वेबसाइट है जो मैंने आपको बताया कि इस साइट पे जाने के बाद आपको करना क्या है,
रिजल्ट पे जाएंगे, और रिजल्ट पे जाने के बाद 10th एंड 12th रिजल्ट 2017 2017 इस पर क्लिक करते ही जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाया था वो वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा, फिर आप उसे उसको चेक कर सकते हैं वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके। तो दोस्तों जानते हैं बिहार बोर्ड के बारे में। बिहार बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन ऑफ राज्य में मैट्रिक दसवीं की आयोजन करता है। बिहार राज्य दसवीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हुई थी, आपको पता है जो 8 मार्च से चलती थी। बिहार बोर्ड की दसवीं परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दसवीं की परीक्षा का आयोजन अमूमन हर साल फरवरी मार्च के महीने में किया जाता है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मुख्यालय पटना में है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसके तहत 9 क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, कोसी, निरहू, दरभंगा, पटना, मगध और सारण आते हैं। दसवीं के बोर्ड के रिजल्ट भी इन्हीं क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार ही जारी किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपके वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके आप उसे सब्सक्रिप्शन जो बटन नोटिफिकेशन बटन को आप ऑन कर लीजिए। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट आपके पास अपडेट होता रहे। यदि आपको ये वीडियो लाइक है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।